तो यार आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब यार देखो यहाँ पर मैंने इस डिस्ट्रिक्ट पर जंप कर लिया था और भाई उतरते ही मुझे मिल जाती है M416। तो भाई देखो भाई लॉन्डो को कैसे भरते हैं। यहाँ पर मेरे सामने वाली ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग पर था एक बंदा, तो मैं उसके फुटस्टेप्स सुन रहा था कि वो कहाँ पर है, लेकिन भाई वो मुझे स्पॉट नहीं होता तो मुझे रश करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों देखना भाई, यहाँ पर मुझे Level 1 की वेस्ट मिलती है और मेरे पास ना कोई हेलमेट था पर, लेकिन यार मुझे रश करना पड़ता है। तो भाई देखना उस लोंडे को कैसे भरेंगे। तो भाई 0 HP में देखो भाई लोंडे को हमने भर दिया और उसके पास से हमें काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है। उसको भरने के बाद दोस्तों हम आते हैं इस वाले बंदे को भरने यहाँ पर, लेकिन दोस्तों 2 बंदे होते हैं, उनकी आपस में फ़ाइट चल रही होती है। तो भाई देखना अभी कैसी फाइट होगी, इनमें से एक बंदा मारा जाएगा। देखो भाई यहाँ पर इनकी फ़ाइट ख़त्म हुई, मैंने भाई जंप किया खिड़की के अंदर और भाई उसने जंप किया बाहर, तो मैं फटाफट उसके पीछे जाने लगा। लेकिन भाई कहाँ जा पाएंगे इस पतली सी खिड़की से बाहर, भाई कहाँ जा पाएंगे हम। जब तक भाई हम जंप करेंगे तब तक वो बंदा हमें पेल के चला भी जाएगा। खैर भाई पतली खिड़की की बात छोड़ो, अब आते हैं इस बंदे की बात पर। वो बंदा भाई सीधा चला गया था घर के अंदर, ऊपर वाले फ्लोर में TPP ले रहा था। तो भाई मैं यहाँ पर TPP ले रहा था, कोई एंगल नहीं मिल रहा था मुझे उसको मारने के लिए, तो भाई मुझे सीधा रश करना पड़ता है। तो भाई सबसे पहले मैं इस क्रेट को देखता हूँ इसमें से नेट मिलता है या नहीं, लेकिन यार नहीं मिला। तो इधर भाई देखो उसको कैसे भरेंगे। इधर भी यार हमने विदाउट हेलमेट ही रश कर दिया। भाई देखो इसकी क्रेट से लूटेंगे हेलमेट और फिर जाएंगे कहीं और। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ गया था स्टेडियम। स्टेडियम में भाई 2 बोट बहुत देर से लड़ रहे थे, तो सबसे पहले इनकी कहानी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तो चलो भाई पहले इन 2 बोट्स की कहानी ख़त्म करते हैं। तो भाई पहले बोट को कुचल दिया, अब बारी दूसरे बोट की, इसको भाई कुचल दिया। अब जैसे ही भाई मैं इस बोट की क्रेट लूटूंगा तो देखना भाई मुझे क्या ही धप्पा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों बंदा मुझे स्टेडियम से मारा था और मैंने उसको स्पॉट कर लिया था। अब भाई देखो उसे कैसे भरते हैं। यहाँ पर भाई इजीली हमने उस बंदे को मार दिया। अब बारी दूसरे बंदे की। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ हीलिंग लगाता हूँ, हीलिंग लगाता हूँ तो मुझे भाई सामने बोट भागता हुआ दिखाई देता है। तो देखो भाई उसे कैसे भरते हैं। बोट को भरने से पहले भाई एक रियल प्लेयर मुझे मारने लगता है, तो उसकी कहानी पहले ख़त्म करते हैं। भाई देखो इसको, देखो भाई क्या ही बंदा है, ना कोई कवर ना कुछ, भाई सीधा ही आ गया ओपन में और ओपन में आके भाई मुझे मारने लगा। तो भाई सबसे पहले अब इस बोट की भी कहानी ख़त्म करते हैं। तो भाई ये बोट भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर भाई स्टेडियम का इलाका पूरा खाली कर दिया और मेरे किल्स हो चुके थे 7। अब भाई चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर भाई रेड जोन इतना खतरनाक था, सारे ही बम भाई गाड़ी के आसपास ही फूट रहे थे और कहीं फूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो भाई सबसे पहले मैं इस रेड जोन से बाहर जाता हूँ। तो जैसे भाई रेड जोन ख़त्म हुआ तो मुझे यहाँ पर नीली नीली चलपरी दिखती है। तो भाई देखो जलपरी को क्या ही मारा है हमने। तो ये देखो भाई जलपरी किसी और को मार रही थी लेकिन इसने हमको स्पॉट कर लिया। तो भाई यहाँ पर जलपरी को एक भी शॉट कनेक्ट नहीं होता, तो अब देखो भाई जलपरी, ये जलपरी भाई ऊपर आई और हमने इसको वापस से लॉबी में भेज दिया। तो भाई ये जलपरी तो गई लॉबी में, अब बारी दूसरे बंदे की। तो भाई जलपरी की थोड़ी बहुत क्रेट लूटने के बाद मैं चल देता हूँ आगे की ओर। तो भाई मैं जैसे ही आगे की ओर जाता हूँ तो सेंटर रोड से फायरिंग का साउंड आता है भाई, तो मैं अपनी डासे घुमा लेता हूँ भाई सीधा सेंटर रोड की ओर। यहाँ पर दोस्तों मुझे बंदा अभी तक स्पॉट नहीं हुआ था। तो भाई जैसे ही उसने मेरी डासी पर गोलियाँ परसाई तो भाई मुझे बंदा स्पॉट हो गया बहुत ही ईजीली। तो भाई देखो अब इस बंदे को कैसे भरेंगे। मैंने दोस्तों यहाँ पर वेट किया, उसने जैसे ही नेड टॉस करके फेंका तो भाई नेड फेंकते ही हमने इसकी कहानी भी ख़त्म कर दी। तो अब बारी दूसरे बंदे की। उसको मारने के बाद दोस्तों मैं आ गया इस नीले वाले घर में। दोस्तों मुझे यहाँ थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि यहाँ पर बंदा है, तो लेकिन यार भाई इस सच को हमें कन्फर्म करना था। तो सबसे पहले भाई मैं डासिया से उतरता हूँ। तो भाई देखो भाई बंदे को कैसे भरते हैं। ये भाई लेट के यहाँ पर आराम कर रहे थे, तो इसको भाई हम पहली फुर्सत में डीजी से मारेंगे।
तो भाई ये पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं कि भाई क्या होता है, ये भाई जंप जंप करने लगते हैं। तो भाई इनसे हम इनको भाई लॉबी पहुंचाने के बाद हम जाते हैं और आगे। यहाँ पर तो सर्कल छोटा हो चुका था और बंदे भी सिर्फ मेरे अलावा तीन बंदे अलाइव थे। तो भाई सामने की ओर फायरिंग हो रही थी, तो दो बंदे मतलब यार आपस में लड़ रहे थे, तो उनमें से एक बंदा फिनिश हुआ, एक बंदा मैंने स्पॉट कर लिया। तो भाई देखो अभी से कैसे भरते हैं। यहाँ पर भाई इस टिंगू जी की कहानी भी ख़त्म कर दी, इनको भी हमने लॉबी पहुँचा दिया। अब भाई लंबू की बारी है, देखते हैं भाई टिंगू को ख़त्म कर दिया, अब देखते हैं भाई लंबू कहाँ पर छुप कर बैठा है। तो सबसे पहले मैं पहले पीता हूँ एक कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भाई मैं जोन के चक्कर लगाता हूँ। तो भाई ये शेड के पीछे वो बंदा मुझे दिख भी जाता है, तो मुझे देखकर भाई ये बेचारा घबरा जाता है। पर यार इसके पास होती है S12 के, तो भाई मैं इसके पास नहीं जाता, मैं इस बेचारी छोटी सी चट्टान के ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो भाई देखो अब उसे कैसे भरेंगे। वहाँ पर दोस्तों जोन भी आ गया था, तो उस बेचारे लंबू को जोन से बाहर भी निकलना पड़ता है। तो भाई देखो उसको आराम से ही मारेंगे। तो भाई इसी के साथ हमने कर लिया विनर विनर चिकन डिनर। दोस्तों यार तुमको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को भी प्लीज़ 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 भाई सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाता रहूँगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।